पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल का मेडिकल कैंप सुना है। आज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी हो। कल अरविंद केजरीवाल का मेडिकल हो चुका है, जब वो ईडी दफ्तर ले आए गए थे वहां सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन ये प्रोटोकॉल है कि जब उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा तो उनका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा और उसके बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी। तो ये एक बड़ा अपडेट है, इस पर भी तमाम जानकारियां आपको देंगे। श्वेता श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर से। श्वेता, अभी क्या कोई हलचल है क्या, क्योंकि कहा जा रहा था कि अहले सुबह ही कार्यकर्ता जुटना शुरू हो जाएंगे, फिलहाल आप क्या तस्वीरें वहां पर देख पा रही हैं और साथ ही साथ इस पर बात हम कर ही रहे हैं कि वहां पर अरविंद केजरीवाल के बाहर क्या हलचल है, घर के बाहर क्या हलचल है, लेकिन सियासी पहलू जो सामने आ रहा है क्योंकि बीजेपी ने निशाना साधना शुरू कर दिया। कपिल मिश्रा खुलकर अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं। सही कह रहे हैं आप अनुराग, और देखिए मैं जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि तूफान के पहले वाली शांति की हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ तूफान के बाद वाली शांति पसरी हुई है। कल रात जो तूफान यहाँ देखने को मिला था, हलचल देखने को मिली थी, अब उसके बाद सन्नाटा पसरा हुआ है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जो अगला और पिछला दोनों गेट है, दोनों ही गेट्स को बंद कर दिया गया है, भारी सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि राहुल गांधी यहां पर कभी भी आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल के परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए। हो सकता है वो किसी भी गेट से एंट्री करें, दोनों गेट पर हमारे कैमराज हैं, जब तस्वीरें आएंगी वो पहुंचाएंगे। और इसके अलावा विपक्षी गठबंधन की एक तस्वीर यहां से देने की कोशिश होगी, तो हो सकता है कुछ और जो विपक्षी नेता है वो यहां पर आ जाए। लेकिन जैसा कि हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आबकारी नीति 2021-22 में शराब कारोबारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने और बदले में जो उसका मार्जिन था वो लेने के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल यहां से पकड़ा गया है। लंबी पूछताछ, 9 समन भेजे गए थे जिसमें वो शामिल नहीं हुए थे, और ऐसे में देखना होगा क्योंकि देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। आतिशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बताया जा रहा अनुराग करने वाली है 9 बजे के आसपास, वो अपनी बातों को आम आदमी पार्टी की बातों को सामने रखेंगी, क्योंकि बहुत संभव है कि आज रिमांड मिल जाए ईडी की टीम को अरविंद केजरीवाल की, और उसके बाद जैसा कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि जेल से वो सरकार चलाएंगे। बाकी देखना होगा, अगर सियासी पहलुओं को देखें तो एक पहलू ये भी है कि पूरा विपक्ष भी साझा बयान जारी कर सकता है।